हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट। स्वागत है आपका डाउटनेट की क्लासेस में। एंड आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सारे बच्चों को अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा इस टॉपिक से कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। नो योर फेस्टिवल्स, तो आप बच्चों को पता है आज रक्षाबंधन है, तो हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे कि रक्षाबंधन हम लोग मनाते क्यों हैं। कभी ना कभी आप बच्चों के दिमाग में ये डाउट या फिर ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। आप में से काफ़ी बच्चों को थोड़ा बहुत पता भी होगा, तो आज हम रक्षाबंधन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत ओनम के बारे में भी समझेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पर उससे पहले एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ आप सारे बच्चों के लिए। आप डाउटनेट के साथ इंग्लिश लिखना ही नहीं बल्कि इंग्लिश बोलना भी सुपर ईजी हो जाएगा, क्योंकि डाउटनेट के टॉप इंग्लिश टीचर्स भूमिका मैम और रुबेना मैम आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल इंग्लिश ग्रामर कोर्स लेके आ रहे हैं, जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलो तो अब हम रक्षाबंधन के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। रक्षाबंधन को हम लोग सेलिब्रेट कब करते हैं? ऑन दी फुल मून। ठीक है, फुल मून होता है, कभी नोट करना आप तुम, फुल मून होता है। ठीक है, और हिंदू मंथ ऑफ श्रावण में जब फुल मून आता है तब हम रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एंड इस फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस क्या है? ये फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इस फेस्टिवल के थ्रू सिबलिंग्स के बॉन्ड को सेलिब्रेट करते हैं। ब्रदर और सिस्टर के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में होता क्या है, ये मैं सारे बच्चों को दिख रही है। ठीक है, तो इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो सिस्टर्स होती हैं वो अपने ब्रदर के हाथ में एक राखी टाई करते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड वो लोग प्रे करते हैं कि जो हमारे ब्रदर हैं वो खुश रहें और हेल्दी रहें, और इन रिटर्न जो ब्रदर हैं वो अपने सिस्टर्स को प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे। रक्षा वर्ड का मतलब यही होता है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रक्षाबंधन में होता है। पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया क्यों जाता है? तो अलग अलग कहानियाँ कही जाती हैं इस फेस्टिवल से रिलेटेड, बट एक मेन स्टोरी जो इस फेस्टिवल के बिहाइंड है उस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, सो महाभारत सारे बच्चों को पता होगा, है ना, हिंदू एपिक जो है महाभारत। तो महाभारत में हमें बताया जाता है रक्षाबंधन के बारे में। सो एक बार क्या होता है, जो लॉर्ड कृष्ण थे, कृष्ण भगवान जो थे, उनको चोट लग जाती है। ठीक है, अब चोट लग जाती है तो मतलब खून वून बहने लग जाता है। तो महाभारत में द्रौपदी क्या करती हैं, अपने साड़ी में से एक छोटा सा क्लॉथ फाड़ के कृष्ण जी के हाथ में बांध देती हैं, जहाँ पे उनको चोट लगी होती है। ठीक है, तो जैसे आज के टाइम पे हम लोग अपने ब्रदर्स के हाथ के ऊपर राखी बांधते हैं। तो कृष्ण जी इस चीज़ से इतना खुश हो जाते हैं, वो द्रौपदी से कहते हैं कि आज से एक ब्रदर की तरह मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। ओके, सो ये पूरी कहानी है रक्षाबंधन के पीछे। ठीक है, एंड इस दिन एक और एक स्पेशल चीज़ होती है। जो भी ब्राह्मण्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, अपने सेक्रेट थ्रेड को चेंज करते हैं। ठीक है, सेक्रेट थ्रेड मतलब जो जनोई होता है, जो सेक्रेट थ्रेड होता है ब्राह्मण्स का। रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मण्स क्या करते हैं, अपने सेक्रेट थ्रेड को, जनोई को चेंज करते हैं और अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि फिर से हम लोग इस साल भी अच्छे से स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रिप्चर्स के लिए अपने लाइफ को डिवोट करेंगे। ओके, सो रक्षाबंधन के बारे में आई एम वेरी श्योर आप बच्चों को काफ़ी कुछ पता लग गया होगा। अब हम लोग ओनम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओनम भी इस सैटरडे ही मनाया गया था इस वीक में, तो ओनम के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो ओनम केरला में मनाया जाता है। ठीक है, तो मलयालीस, केरला जो स्टेट है इंडिया का, सदर्न स्टेट, केरला के जो लोग होते हैं मलयालीस, वो लोग इस फेस्टिवल को, ओनम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वैसे तो ओनम को एक हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का क्या मतलब है, ओनम इस टाइम पीरियड के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है जब फार्मिंग में सब कुछ तैयार हो जाता है, वेजिटेबल फ्रूट्स फूड ग्रेन्स ये सब यूज़ करने का टाइम आ जाता है। ठीक है, पर ओनम के पीछे भी एक कहानी है। जैसे रक्षाबंधन के पीछे की कहानी हमने समझी, तो ओनम के पीछे भी एक स्टोरी है, उस स्टोरी को भी हम समझते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि केरला में एक राजा थे, वैसे कहा जाता है डीमन किंग थे वो, एंड उनका नाम था किंग महाबली। ओके, पर वो बहुत काइंड राजा थे, वो केरला के लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। ठीक है, तो जो गॉड्स थे, जो भी भगवान थे, उनको लगा कि हमें
स्किन को जाके चेक करना चाहिए कि क्या ये सही में काइंड है क्या है। तो एक दिन क्या होता है, लॉर्ड विष्णु वो डिसाइड करते हैं कि महाबली किंग को जाके चेक करके आते हैं। तो लॉर्ड विष्णु क्या करते हैं, एक बहुत ही साधु सा अवतार लेते हैं, ठीक है, एंड फिर किंग महाबली के पास जाके बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ मांगना है और आप बहुत ही काइंड किंग हो, आप सबकी विशेस पूरी कर देते हो। तो किंग महाबली कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बताओ आपको क्या चाहिए। और लॉर्ड विष्णु कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 कदम ज़मीन चाहिए। महाबली कहते हैं ओके कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कहते ही लॉर्ड विष्णु क्या करते हैं, अपना असली अवतार लेते हैं, ठीक है, बहुत ही एक जायंट फॉर्म लेते हैं, एंड 3 कदम में वो क्या करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि 1 कदम वो पूरा अर्थ के ऊपर रख लेते हैं, 1 कदम पूरा स्काई के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, 3रा कदम रखने की जगह नहीं बचती। तो लॉर्ड महाबली आउट ऑफ काइंडनेस कहते हैं और कोई जगह नहीं है तो आप मेरे सर के ऊपर ही रख लो, ठीक है। और लॉर्ड विष्णु खुश हो जाते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छे राजा हैं। एंड लॉर्ड महाबली से कहा जाता है, किंग महाबली से कहा जाता है कि हम आपको पाताल लोक में भेज रहे हैं, आप पाताल लोक को संभालो, पर क्योंकि आप इतने अच्छे किंग हो हम क्या करेंगे, आपको 10 डेज अलाउ किया जाएगा कि आप 10 दिन के लिए केरला जाके अपने लोगों से मिल सकते हो। तो केरला के लोगों का ये मानना है कि जो ये 10 दिन हैं, इन 10 दिन में क्या होता है, किंग महाबली केरला में अपने सारे लोगों से मिलने आते हैं। इसीलिए केरला के लोग क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, फूलों से रंगोली बनाते हैं, ठीक है। चलो तो आज के क्लास में हमने ओनम के बारे में समझा और ऑफकोर्स रक्षाबंधन के बारे में भी समझा, ओके। सो आज आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अपने इस फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट किया, ओके। चलो सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।